Good morning, students. I am your RS ma'am who takes your SST class. So in this class today we will learn about the different types of religions of our country. So let's start. In our country there are different religious people. People of different religions worship God and thank Him for giving them beautiful life and many other things. People worship God in different ways and at the different places. Let us learn about these places of worship, the temple. तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे क्या हर अलग अलग रिलीजियस में अलग अलग धर्म में अलग अलग प्लेसेस होता है. जैसे कि हिंदू लोग टेम्पल जाते हैं, मुस्लिम लोग मॉस्क जाते हैं और पंजाबी लोग जिनको हम लोग सिख बोलते हैं वो लोग गुरुद्वारा जाते हैं वर्शिप के लिए. वर्शिप क्या होता है? जहाँ पे हम लोग भगवान के मंदिर में जाके पूजा करते हैं. द टेम्पल इज अ प्लेस वेर हिंदू गोज फॉर वर्शिप. तो मैंने पहले ही बोला है कि टेम्पल में हिंदू लोग जाते हैं पूजा करने के लिए. इन टेम्पल देयर आर आइडियल्स ऑफ शिवा, रामा, कृष्णा, दुर्गा, सीता एंड राधा. इन द टेम्पल हिंदूज वर्शिप देयर आइडियल्स एंड ऑफर स्वीट्स, फ्लावर्स, ETC टू देम. द पुजारी टेक केयर ऑफ द टेम्पल. द भगवद गीता, द रामायण एंड महाभारत आर द होली बुक ऑफ द हिंदूज. हम लोगों को सभी को पता है, हम लोग टीवी में भी रामायण महाभारत देखे हैं. तो वहाँ पे महाभारत देखने के बाद हम लोगों को पता चला है कि भगवत गीता क्या होता है. तो पुजारी जो होता है वो टेम्पल की रक्षा करते हैं और पूजा करते हैं. और हिंदू लोग जब टेम्पल जाते हैं या घर में भी जब भी पूजा करते हैं, तुम लोगों की माँ, बहनी, दादी जो जो है, जो पूजा तुम लोग करते हैं देखी हो, कैसे पूजा करते हैं? फ्लावर देते हैं भगवान को, स्वीट्स देते हैं, अपने मन से जो धूप धनिया जो होता है सब देते हैं. तो हिंदू लोग ऐसे पूजा करते हैं. उसके बाद मॉस्क में कौन से लोग जाते हैं? मुस्लिम्स लोग ऐसे पूजा नहीं करते. वो उनका पूजा करने का अलग तरीका होता है. वो नमाज पढ़ते हैं. वो नमाज को नमाज इज अ काइंड ऑफ प्रेयर. देयर इज अ स्पेशल नमाज ऑन एवरी फ्राइडे. ओके, नेक्स्ट टॉपिक में देखो सब लोग. द मॉस्क इज अ प्लेस वेयर मुस्लिम्स ऑफर नमाज. ब्रैकेट में देखो प्रेयर लिखा हुआ है. वही चीज प्रेयर को ही वो लोग नमाज बोलते हैं. नमाज इज अ काइंड ऑफ प्रेयर. देयर इज अ स्पेशल नमाज ऑन एवरी फ्राइडे. तो हर फ्राइडे में वो लोग मॉस्क जाते हैं. वहाँ पे उन लोगों का स्पेशल नमाज वो लोग पढ़ते हैं. दे कॉल गॉड एज अल्लाह. तो हम लोग जैसे अपने भगवान को, हिंदू लोग जैसे अपने भगवान को नाम देते हैं शिवा, रामा, कृष्णा, ये सब हम लोग के भगवानों के नाम है. तो उन लोगों को, भगवान को सिर्फ अल्लाह ही वो लोग पुकार के बोलते हैं. अ मौलवी लुक्स आफ्टर द मॉस्क. जैसे कि टेम्पल में पुजारी हम लोगों के टेम्पल को सुरक्षा करते हैं, पूजा करते हैं, देखते हैं. तो उन लोगों के मॉस्क में मौलवी बोला जाता है. मौलवी उन लोगों के मॉस्क को देखते हैं. कुरान इज द होली बुक ऑफ मुस्लिम. जैसे भगवत गीता, रामायण, महाभारत आर द होली बुक ऑफ द हिंदूज, वैसे ही कुरान ही मुस्लिम लोगों के होली बुक है. द चर्च इज अ प्लेस वेयर क्रिश्चियंस गोज फॉर वर्शिप. तो चर्च में कौन लोग जाता है? चर्च में जाते हैं क्रिश्चियंस लोग. देयर इज अ स्पेशल प्रेयर ऑन एवरी संडेज. तो वो लोग संडे, हर संडे में जाते हैं वर्शिप के लिए गॉड के पास. कौन लोग जाते हैं? क्रिश्चियंस लोग. दे प्रे टू जीसस क्राइस्ट. उन लोगों का भगवान कौन है? जीसस क्राइस्ट. द क्रिश्चियंस सिंग स्पेशल सॉन्ग्स कॉल्ड हिम्स. हिम्स क्या होता है? वो लोग एक अलग सा स्पेशल सॉन्ग, मतलब गाना गा के उन लोगों के भगवान को पूजा करते हैं. द प्रीस्ट कॉन्डक्ट्स द सर्विस एंड गिव्स सर्मोन्स इन अ चर्च. तो वो उन लोगों का चर्च में कौन रहता है? प्रीस्ट. वो सर्विस देते हैं और सर्मोन्स इन अ चर्च. तो सब लोगों को सर्मोन्स एक प्रसाद जैसा होता है जो आफ्टर पूजा के बाद उन लोगों को दिया जाता है. बाइबल इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस. और बाइबल उन लोगों का होली बुक है. नेक्स्ट टॉपिक में देखो द गुरुद्वारा. तो गुरुद्वारा क्या है? पंजाबी लोग गुरुद्वारा जाते हैं और पंजाबी लोगों को हम लोग सिख बोलते हैं. गुरुद्वारा इज अ स्पेशल वेयर सिख्स वर्शिप. सिख्स लोग वहाँ पे जाके अपना भगवान को पूजा करते हैं. दे सिंग्स हिम्स कॉल्ड गुरु बानी. तो इस जो वो लोग गाना गा के पूजा करते हैं तो उसी को बोला जाता है गुरु बानी.
गुरु ग्रंथ साहिब इज द होली बुक ऑफ द सिख्स, ये वाला लाइन तुम लोग अंडरलाइन कर सकते हो या भी ब्रैकेट भी कर सकते हो। दे बो देयर हेड्स बिफोर द गुरु ग्रंथ साहिब इन गुरुद्वारास, तो वो लोग क्या करते हैं, बो देयर हेड गुरु ग्रंथ साहिब इन गुरुद्वारास, तो वो लोग अपने वहां पे माथा झुकाकर भगवान के पास पूजा करते हैं। तो उसके बाद देखो कुछ अदर टॉपिक्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। पीपल ऑफ द अदर रिलीजियंस ऑल्सो लिव इन अवर कंट्री, जैसे कि और भी कुछ लोग रिलीजियंस के इंसान रहते हैं इंडिया में। गॉड इन पगोड़ा वर्शिप बाय बुद्धिस्ट, तो बुद्धिस्ट को जो पूजा करते हैं तो उन लोगों को वो भगवान को बोला जाता है पगोड़ा। जैन्स वर्शिप गॉड इन अ देरासर, जैन्स लोग जो गॉड को वर्शिप करते हैं उनको बोला जाता है देरासर। पेरिस जोरोअस्ट्रेंस, ब्रैकेट में जो है जोरोअस्ट्रेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक में देखो, पारसीज वर्शिप गॉड इन अ फायर टेम्पल, जेन अवेस्ता इज द होली बुक ऑफ पेरिस। तो जेन अवेस्ता क्या है, पेरिस का होली बुक है, और पारसीज लोग कहाँ पे पूजा करते हैं, फायर टेम्पल में। We should respect all religions and always remember God. हम लोगों को हर religions को सम्मान करना चाहिए और हमेशा God को याद में रखना चाहिए। Worship of God keeps us happy. भगवान को पूजा करने के बाद हम लोगों को अंदर से जो खुशी मिलता है वो बिना पूजा करे तुम लोगों को पता नहीं चलेगा। God is everywhere. God हर जगह है। तो समझ में आया तुम लोगों को? तो हम लोग जब टेम्पल के बारे में पढ़ रहे थे, हिंदू लोग जो टेम्पल में जाते हैं पूजा करने के लिए, तो वहाँ पे जो एक स्पेशल धूप दिया जाता है उसको बोला जाता है गुग्गल। वो भगवान को अलग से दिया जाता है हर रोज, तुम लोगों की मम्मी देती होगी या मंदिर में भी पुजारी लोग देते होंगे। तो तुम लोग ये चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, और डिफरेंट रिलीजियंस के बारे में अच्छे से रीड करोगे, लर्न करोगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।